हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं आप सबके लेकर आ चुका हूं बहुत बड़ा टॉयज का कलेक्शन, जिसमें हमारे पास गाइस कार वाली पेंसिल बॉक्स है, पेपा पिक वाली इरेजर है गाइस, हमारे पास बेन 10 की वॉच है, डोरेमोन की पेंसिल बॉक्स है, डोरेमोन बेन 10 की स्वॉर्ड है, ई रिक्शा है हमारे पास, और बहुत सारी सुपर कार्स है, कैप्सूल वाला पेन है, और भी बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स के इरेजर्स, शार्पनर्स और बहुत कुछ है। और गाइस मैं एक एक करके सारी की सारी चीज आपको दिखाने वाला हूं, तो दिल थाम के बैठ जाओ गाइस अपनी सीट पे और पूरा का पूरा वीडियो देखना और एक भी चीज मिस मत करना, क्योंकि सारी की सारी चीज, एक एक चीज बहुत अमेजिंग है। और मैं बहुत दूर दूर जाकर अलग अलग शॉप्स में से मैं आपके लिए एक एक चीज ढूंढ कर लाया हूं। सो गाइस कितनी मेहनत लगी होगी मेरी, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो बिना किसी देरी के इनका रिव्यू चालू कर देते गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पेपा पिक का ये बैग, जो हम घर में ट्रेवल करने के लिए यूज करते हैं, उसी साइज का मिनी साइज का बैग है, जिसके अंदर एक हैंडल दिया गया है जिसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, और इधर व्हील्स दिए गए हैं, और इधर बना हुआ है पेपा पिक, और ये देखिए पेपा पिक के हाथ में उसका टॉय। तो ये देखिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं इसके अंदर क्या मिलता है। इसके अंदर मिलती है हमें पेपा पिक की इरेजर, ये देखिए गाइज। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये पेपा पिग है या फिर ये जॉर्ज पिग है, या फिर ये जॉर्ज पिग है या फिर ये पेपा पिग है। तो ब्लू और रेड कलर का कौन पेपा पिग कौन जॉर्ज पिग है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो देखते हैं किस कौन कितना स्मार्ट है, किसको पता है। तो ये इरेजर है गाइज, मैं आपको बता दूं। उसके बाद गाइज हमारे पास है एक सुपर रेसिंग कार वाली पेंसिल बॉक्स, ये देखो गाइज जंबो पेंसिल बॉक्स है, काफी बढ़िया, इधर रेसिंग लिखा है, इधर सुपर कार लिखा हुआ है, और इधर पहिए भी दिए गए हैं, इधर भी दिए गए हैं, ये फ्रंट है और ये बैक है गाइज। और मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूं, काफी बढ़िया पेंसिल बॉक्स है गाइज। 1 2 3 वाओ, ये देखिए गाइज कितने सारे कंटेनर इसके अंदर दिए गए हैं। ये देखिए इधर आप अपनी पेंसिल्स, रब इरेजर और शार्पनर रख सकते हैं, इधर पेंसिल पेन वगैरह, स्केल वगैरह रख सकते हैं, और इधर भी आप अपना बहुत सारा सामान रख सकते हैं, और इधर भी आप गाइज इसमें तो काफी सारा सामान आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर देखो कितना ज्यादा हाथ मेरा घुस चुका है, तो काफी सारा सामान इसके अंदर भी आ जाएगा। तो तीन तीन इसके अंदर आपको जो है कंटेनर दिए गए हैं सामान रखने के लिए, और कुछ इस तरीके से एकदम इसका मैकेनिज्म देखिए, कितने अच्छे स्टाइल से ये बंद हो जाती है और कितने अच्छे स्टाइल से ये खुल जाती है, तो आपका सामान जो है गिरेगा भी नहीं, तो ये बहुत अच्छी चीज है गाइस। इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं बेन 10 की स्वॉर्ड जो हमारे पास है, ये देखिए बेन 10 की तलवार है हमारे पास, कितनी बड़ी तलवार है गाइस, कितनी अमेजिंग है, ये देखो एकदम रियल तलवार के जैसी लगती है, और इधर एक बटन दिया गया है, इसको बटन दबाने से काफी कुछ होता है इसमें, देखो गाइस। है ना गाइज कितनी अमेजिंग बेन 10 की स्वॉर्ड, ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है गाइज ये। और उसके बाद गाइज हमारे पास है काफी अमेजिंग एक बहुत ही जबरदस्त स्क्वीज बॉल, ये देखो गाइज ये मल्टी कलर की स्क्वीज बॉल है, इसके बाद कैसे खेलते हैं ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूं। इसको बस ऐसे पकड़ना है और ऐसे दबाना है, ये देखो गाइज ऐसे पकड़ना है ऐसे दबाना है, ये स्क्वीज बॉल आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ये देखो कहीं से भी पकड़ो, कहीं से भी दबाओ, चाहे दोनों हाथ से दबा लो, चाहे ऐसे दबा लो गाइस के साथ खेलने का मजा ही अलग है, ना ये फटती है ना ये टूटती है, ये ऐसी की ऐसी वापस से शेप में आ जाती है, तो ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और इसके बाद गाइस हमारे पास है बहुत ही अमेजिंग सुपर रेसिंग कार, ये देखो गाइस ये पुल बैक एक्शन वाली कार है, इसको बस पीछे पुल करो और छोड़ो, ये भागती है बहुत तेज, बहुत तेज, ये इसकी लुक देखो कितनी जबरदस्त है। और इसके बाद गाइस हमारे पास है एक, ये देखिए अलार्म वॉच वाली शार्पनर, ये देखिए गाइस ये एक अलार्म वॉच जैसी दिखती है पर एक शार्पनर है, इसके अंदर दो दो पेंसिल्स आप शार्प कर सकते हो, इसमें पतली पेंसिल और इसमें मोटी पेंसिल, और ये बाद में इसको खोल के जो कचरा है बाहर फेंक सकते हो, और ये वापस से बंद हो जाती है। तो ये अलार्म वॉच आप ऐसे रख भी सकते हो अपने घर में, अपने क्लासरूम में, अपने डेस्क पे, स्कूल में, जिस पे बैठते हो, तो बहुत मस्त चीज है। और उसके बाद गाइस हमारे पास है यूनिकॉर्न वाली एक ब्रीफकेस, ये देखो गाइस एक सूटकेस भी बोल सकते हो आप इसको, ब्रीफकेस भी बोल सकते हो, इसमें भी जो हैंडल दिए गए ऊपर नीचे हो जाता है, इधर भी व्हील दिए गए हैं, और ये देखिए गाइस इसके अंदर क्या है मैं आपको दिखा दूं, इसको कुछ ऐसे ओपन करेंगे तो इसमें निकलेगा शार्पनर, और ये देखिए और इसको कुछ ऐसे ओपन करेंगे गाइस तो इधर मिलेगी आपको एक इरेजर, और ये देखिए कितनी जबरदस्त चीज है ना गाइस, और एक एरोप्लेन की तरह नजर आती है इसको उसे ओपन करने के बाद में, और इधर बने हुए तीन तीन यूनिकॉर्न, और यूनिकॉर्न तो सभी के फेवरेट होते हैं गाइस, और इसको वापस से आप बाद में ऐसे बंद कर सकते हैं, कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद गाइज हमारे पास है बहुत ही अमेजिंग पेंसिल्स, और इनको देखकर आपको पेंसिल्स ये नहीं लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं, बहुत ही मस्त क्वालिटी की ये पेंसिल्स हैं, ये देखो गाइज इनको निकाल लेते हैं बाहर और मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे काम करते हैं, खाली हो चुका है, ये देखिए कुछ इस तरीके से पेंसिल दी गई है, इधर लिखा हुआ है स्वीट लव
और ये देखिए इसको ऐसे बस ओपन कर रहे हैं और ये पेंसिल आपकी रेडी है। बस अगर आपकी ये निब घिस जाए तो ये वाली निब आप ऐसे निकालें और इधर से डालेंगे ऐसे वापस से इसको, और यहाँ से एक न्यू निब जो है बाहर आ जाएगी। ये देखो गाइस, ये निब मैंने इधर से डाली, इधर से न्यू निब आ गई। और ये इसकी कैप है, काफी बर्लिया पल्स वाली कैप है, और ऐसी कैप तो गाइस मैंने खुद पहली बार देखी है लाइफ में। और ये देखिए कुछ इस तरीके से बंद हो जाती है, और ये वाली पेंसिल भी कुछ इस तरीके से ही जो है काम करती है, तो ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और उसके बाद गाइस हमारे पास है एक तलवार वाला पेन, ये देखिए एकदम रियल नाइफ, एक रियल तलवार लगता है, बट ये पेन है गाइस, मैं आपको दिखा दूं, ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। और ये रही इसकी निब, ये देखिए गाइस एकदम न्यू पेन है, और इसको कुछ इस तरीके से आप चला करके यूज कर सकते हैं। तो ये पेन कैसा लगा गाइस कमेंट में जरूर बताना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया तो मैं आपको दिखाने के लिए ले आया। उसके बाद गाइस हमारे पास है बहुत ही अमेजिंग एक पबजी गन वाला पेन, ये देखिए गाइस, ये गन वाला पेन किस किस ने देखा कमेंट में जरूर बताना, और एकदम गन लगता है गाइस, ये देखिए इसको इस तरीके से पकड़ेंगे तो गन लगता है, बट ये है एक पेन, ये देखिए गाइस ये एक पेन है, और इसको कुछ इस तरीके से आप इसकी हेल्प से काम कर सकते हैं। ये देखिए कैसा लगा ये पेन जरूर बताना, गन वाला पेन, और इसको स्कूल में लेके जाओगे तो गाइस कोई भी आपके फ्रेंड्स है बहुत इंप्रेस हो जाएंगे आपसे। उसके बाद गाइस हमारे पास है ये देखिए एक ट्यूब वाला शार्पनर, ये देखिए एक ट्यूब है और इसका एक शार्पनर है, ट्यूब नहीं शार्पनर है, ये देखिए ये रहा शार्पनर, और इसके अंदर जो है सारा कचरा स्टोर हो जाएगा, बाद में आप घर पे जाकर सारा कचरा डस्टबिन में फेंक सकते हैं, जिससे कि आपका ना क्लासरूम गंदा होगा और ना ही आपका जो है घर गंदा होगा, तो काफी सही चीज है ये। और उसके बाद गाइज हमारे पास है एक बहुत ही जबरदस्त चीज, बताओ गाइज ये क्या है, ये एक चॉकलेट है, नहीं गाइज ये चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट नोटबुक है, और मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ ये चॉकलेट नोटबुक। और सबसे बड़ी बात यह है इसको स्मेल करते हैं तो इसमें से चॉकलेट की स्मेल आती है गाइज, ये मुझे इसकी खासियत बहुत अच्छी लगी है, देखो ऐसा लग रहा है जैसे चॉकलेट में किसी ने बाइट लिया हो, और ये देखिए लेकिन ये गाइज एक चॉकलेट वाली नोटबुक है। गाइज ये कैसी लगी चीज आप जरूर बताना कमेंट में, ये मुझे बहुत पसंद आई, खुद भी मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद गाइज हमारे पास है पबजी वाले, जिन्होंने पबजी और फ्री फायर खेलते हैं उनके लिए ये एक लेवल 3 का बैग है गाइज, ये देखिए की चेन है लेवल 3 बैग का की चेन, और ये कैसा लगा गाइज कमेंट में जरूर बताना आप लोग। और उसके बाद गाइज हमारे पास है बहुत सारी चीजें, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी डोरेमोन वाली पेंसिल बॉक्स, ये देखो कैसे कितनी गजब पेंसिल बॉक्स है गाइज, ये कुछ इस तरीके से ओपन होती है और इधर अपनी पेंसिल्स को अटका के रख सकते हैं, जिसकी एकदम अचानक से आप पेंसिल बॉक्स खोलते हैं तो आपकी पेंसिल पेंस वगैरह बाहर नहीं गिरेंगे। और उसके बाद गाइज इधर वाले कंटेनर में आपको टेबल्स लिखी हुई दी गई है बहुत सारी, कभी कभी आपको हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो, और ये देखिएगा और कुछ इस तरीके से जो है बंद हो जाती है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही गजब चीज, ये बटन आपको बस प्रेस करना और देखो क्या होता है, ये बटन प्रेस करते ही एक शार्पनर वाला कंटेनर खुल जाता है, और देखिए इधर पतली पेंसिल शार्प कर सकते हो, इधर मोटी पेंसिल शार्प कर सकते हो, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये जो है दिया जाता है। ये आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना गाइज, ये पेंसिल बॉक्स डोरेमोन वाला मेरा बहुत ही फेवरेट है, आपको कैसा लगा जरूर गाइज बताना मुझे कमेंट में, और उसको भी रखते हैं। और इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूं अपना, ये देखिए गाइज यूनिकॉर्न वाला की चेन, ये देखिए ये यूनिकॉर्न का की चेन है, ये मैंने 40 रुपीज का खरीदा था बाजार से, और इसके अंदर स्पार्कल दी गई है स्टार वाली काफी सारी, और ये है यूनिकॉर्न, ये कैसा लगा ये भी बताना कमेंट में। उसके बाद गाइज हमारे पास है क्रिस्टल मड, गाइज ये ना ये एक स्लाइम है ना ये एक तरह का क्ले है, ये क्रिस्टल मड है, ये देखिए गाइज मैं आपको दिखा दूं, और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा डोरेमोन, और ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसको निकाल करके इसके साथ खेल सकते हैं। ये देखिए गाइज ये कैसी चिकनी मिट्टी एकदम बहुत ही जबरदस्त, और इसको वापस से डालेंगे वापस से अपनी शेप में ये आ जाते हैं, बिल्कुल स्लाइम की तरह ही ये भी काम करते हैं, बट ये है क्रिस्टल मड, ये भी मैंने खरीदी थी गाइज 30 रुपीज की। और उसके बाद गाइज हमारे पास है लेवल 3 का ये इरेजर, ये देखिए लेवल 3 हेलमेट वाला इरेजर है, इससे आप जो भी लिखेंगे मिटा सकते हैं। और उसके बाद गाइज हमारे पास है ये देखिए गाइज क्या बात है, और ये कौन सा कैरेक्टर है कमेंट में जरूर बताना, कौन सा कैरेक्टर का पॉपिट है गाइज, ये गेम आती है एक, और जिसको पता है कमेंट में बताओ, मुझे भी पता है बट मैं आपको चैलेंज देता हूं इसका नाम बताओ। और गाइज ये देखिए एक पेन है, और इसको भी आप जो है इधर ऐसे यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत जबरदस्त चीज है। उसके बाद गाइज हमारे पास है गन वाली इरेजर बहुत बड़े साइज की, ये देखो ये पूरी एक इरेजर है, ये गन भी है और इरेजर भी है, ये देखो कितनी फ्लेक्सिबल है गाइज, ये कैसी लगी ये भी बताना। और उसके बाद गाइज हमारे पास 1 2 3 4 ये देखो 4 टाइप की, और हमारे पास जो है ये सुपर कार है, ये देखो गाइस कैसी लगी, और एक और है गाइस 5 टाइप की, एक मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी, ये 6 टाइप की सुपर कार का कलेक्शन है, ये देखो ये कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताना। और इनमें से सबसे फेवरेट कलर आपका कौन सा है, ग्रीन है ऑरेंज है येलो है रेड है या फिर ये व्हाइट और स्काई ब्लू है, सबकी लुक एकदम जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त सुपर रेसिंग कार वाली इनकी लुक है, ये देखो गाइस ये देखो सबकी लुक एकदम अलग है, सबके ऊपर अलग ही डिजाइन दिया गया गाइस,
और कौन सी आपकी फेवरेट है ये जरूर बताना मुझे कमेंट में सुपर कार। और उसके बाद गाइज हमारे पास है एक बहुत बढ़िया यूनिकॉर्न वाला मल्टी कलर वाला पैन, ये देखो ये यूनिकॉर्न बना हुआ है और इधर भी बहुत सारे यूनिकॉर्न्स बने हुए हैं ये देखो। और ये मल्टी कलर वाला पैन है ये देखो, ऐसे इसकी निब निकलती है और ऐसे बटन दबाओ बंद हो जाती है। ये ब्लैक वाली निकालते हैं और ये बटन दबाएंगे ये देखो बंद हो जाएगी, और ये ग्रीन वाली निकालते हैं और इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये भी बंद हो जाती है। यूनिकॉर्न वाली पैन है काफी बढ़िया। उसके बाद गाइज हमारे पास है एक पेंगुइन वाली शार्पनर, ये देखो ये पेंगुइन है बट ये एक शार्पनर है, ये देखिए गाइस इधर से पेंसिल शार्प कर सकते हैं और जब कचरा इसके अंदर भर जाए तो बाद में इसे खोल के कचरा फेंक सकते हैं और वापस से इसको बंद भी कर सकते हैं, तो ये भी बहुत सही चीज है गाइस। इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही मस्त चीज, ये सेंटी कंपनी की एक ई रिक्शा है और गाइज ये खरीदी है मैंने 150 रुपीज की। ये देखो ये बैटरी रिक्शा है जो आप अपने लोकल सिटी में यूज कर सकते हैं, करते हैं इधर से उधर जाने के लिए, तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो गाइज कितनी बढ़िया ई रिक्शा है और ये आ गई है बाहर, और ये देखो गाइज ये बहुत तेज भागती है और ये कैसे भागती है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो इसके ऊपर रिक्शा का ड्राइवर भी बैठा हुआ है और ये हैंडल है, हेडलाइट है, ये इसका ये साइड मिरर है, ये देखो एकदम छत है इधर और एकदम बैक में इधर टायर भी दिया गया है और ये इधर भी टायर दिए गए हैं, और ये देखो इधर भी सीट है और इधर भी सीट है और इधर ये हैंडल दिया गया है पकड़ने के लिए जिससे कि आप गिरे नहीं, तो ये बिल्कुल रियल ई रिक्शा जैसी नजर आती है, बैटरी रिक्शा जो हमारे लोकल सिटीज में चलती है। तो आपको इसे कैसे यूज करना है, इसको बस आपको पीछे पुश करना है इस तरीके से और छोड़ना है। ये देखो कितनी तेज भागती है गाइज, ये देखो अभी तक चल रही है गाइज, फिर से पीछे पुश करेंगे और इसको छोड़ेंगे, ये देखो गाइज है ना गाइज कितनी बढ़िया बैटरी रिक्शा। ये आपको कैसी लगी 150 रुपए में कमेंट में जरूर बताना, और ये रियल रिक्शा जैसी दिखती है या नहीं ये भी जरूर बताना। और इसके बाद गाइज हमारे पास है बहुत बढ़िया इरेजर, ये देखो ये हमारे पास है कोका कोला और ये हमारे पास है फ्रेंच फ्राइज, ये हॉट डॉग है, ये बर्गर है, ये भी फ्रेंच फ्राइज है, और मैं आपको ये निकाल कर दिखाने वाला हूँ ये क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, किस तरीके से काम आती हैं। ये देखो गाइज ये देखो ये है एक इरेजर, ये इरेजर है गाइज कोका कोला वाली, और इसके बाद गाइज हमारे पास है फ्रेंच फ्राइज वाली इरेजर, ये भी आप यूज कर सकते हैं इसको पेंसिल को मिटाने के लिए, और ये है हमारे पास गाइज हॉट डॉग वाली इरेजर है, ये देखो ये अलग भी हो जाती है और वापस से ये जो है लग भी जाती है, ये देखो गाइज ये तीनों चीजें इसकी निकल जाती है और वापस से लग भी जाती हैं, और ये हमारे पास है बर्गर वाली इरेजर, ये देखो एकदम रियल बर्गर लगता है गाइज। और उसके बाद गाइज हमारे पास एक और चीज है वो गिर गई है, मैं आपको उठाकर दिखाता हूँ। इसके बाद है गाइज हमारे पास ये देखिए एक फ्रेंच फ्राइज वाला शार्पनर, ये देखो इसके अंदर एक शार्पनर दिया गया है और इसको आप चाप कर सकते हैं और बाद में इसको ओपन करके अपनी कचरे को फेंक सकते हैं, ये देखो कितना बढ़िया है ना गाइज, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और उसके बाद गाइज मैं आपको दिखा दूं हमारे पास है लिपस्टिक वाली इरेजर, ये देखो ऐसे खोल सकते हैं और ये देखिए एकदम लिपस्टिक की तरह बाहर आती है, और ये एक फ्लेक्सिबल इरेजर है गाइज, ये लिपस्टिक नहीं है लेकिन ये लिपस्टिक स्टाइल में इरेजर है, ये गर्ल्स को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और उसके बाद गाइज हमारे पास है एक फिजेट स्पिनर, ये लाइट वाला फिजेट स्पिनर है, इसको ऐसे ऑन करना है और इधर से भी, और गाइज ये देखिए ये ऑन हो गया और ये भी ऑन हो गया, और अब इसको घुमाएंगे तो इसको देखना आप लाइट्स को, ये देखो गाइज और वापस से इसको ऐसे बंद भी कर सकते हो, ये कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। फिजेट स्पिनर क्या आपके पास भी ऐसा फिजेट स्पिनर है तो भी जरूर बताना मुझे। और गाइज इसके बाद है हमारे पास ग्रीन लेजर पॉइंटर, ये देखो पैन वाला लेजर लाइट है, ये मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ गाइज, ये देखिए वाओ ये देखो गाइज क्या बात है, और ये पैन स्टाइल वाला लेजर पॉइंटर है और इसके अंदर जो बैटरीज भी दी गई है ये देखो ये बैटरी भी दी गई है और इसको हम इसके अंदर लगा सकते हैं, मैं आपको लगाकर दिखाता हूँ गाइज, ये देखिए ऐसे इसको खोलना होता है और आपकी जो है बैटरीज इस तरीके से जो है लग जाती है, और ये देखिए ये वाली इधर ऐसे लगेगी और इसको बंद करेंगे और आपका लेजर पॉइंटर जो है रेडी है यूज करने के लिए, ये देखो गाइज कैसा लगा जरूर बताना गाइज कमेंट में, मैं लाइट्स ऑफ करके दिखाता हूँ गाइज ये कैसा लगता है, वेट कीजिए। और गाइज हमने अंधेरा कर दिया है कमरे में और ये बटन दबाएंगे और देखो गाइज कैसे गजब तरीके से डिजाइन घूम रहे हैं गाइज, ये देखिए गाइज क्या बात है ना गाइज, जबरदस्त लेजर पॉइंटर और एक पैन वाली लेजर पॉइंटर है गाइज, चलिए लाइट ऑन कर लेते हैं, कैसा लगा गाइज लेजर पॉइंटर जरूर बताना। और इसको ऐसे ओपन करेंगे गाइज कुछ इस तरीके से, अगर आप यहां से ओपन करेंगे तो ये सिंगल लेजर लाइट इसके अंदर से निकलेगी, ये देखो गाइज इस तरीके से एक सिंगल पॉइंटर निकलेगा और इसको लगाने के बाद में बहुत सारी लाइट्स जो है निकलती हैं। सो गाइस ये काफी यूनिक है, काफी जबरदस्त है, ये जरूर बताना कमेंट में, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा आप बताएंगे तो इसको रखते हैं साइड में और भी चीजें मैं आपको जो है निकाल करके दिखाता हूं गाइस। और इसके बाद गाइस हमारे पास है बेन 10 की एक
प्रोजेक्टर वॉच, और ये भी मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ गाइज, बहुत ही मस्त चीज है। और ये मैंने बहुत सस्ती ली है गाइज मार्केट से, और आप गैस करो कितने की ली होगी गाइज, ये मैंने लिए 100 रुपीज की बस, बहुत सस्ती आई है गाइज। और ये देखिए इधर आप टाइम देख सकते हैं, ये देखो इधर बेंटन बना हुआ है, इधर बेंटन लिखा हुआ है और इधर भी बेंटन बना हुआ है, और पूरी ग्रीन कलर की बेंटन स्टाइल की वॉच है, और इधर दो बटन दिए गए हैं छोटे छोटे, इससे आप टाइम सेट कर सकते हैं। और इधर है गाइज एक बहुत ही जबरदस्त, ये देखो इसका ये हटाएंगे, ये इसका ये हटाने से इसकी बैटरी एक्टिवेट हो जाएगी गाइज, ये देखिए मैं आपको हटाकर दिखाता हूँ, और इसकी बैटरी एक्टिवेट हो गई है। अब आप ये बटन दबाएंगे तो इसके अंदर प्रोजेक्टर निकलेगा, और ये प्रोजेक्टर वॉच है, और ये जितने भी कैरेक्टर यहाँ दिए गए हैं ये सारे के सारे कैरेक्टर इस प्रोजेक्टर में से निकलेंगे। तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से, ये देखो कैरेक्टर आ रहे हैं, जितनी बार भी आप बटन दबाएंगे अलग अलग कैरेक्टर आएंगे। मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ गाइज, लाइट ऑफ हो चुके हैं, अब आप देखो कैरेक्टर्स, ये देखो गाइज ये कौन सा कैरेक्टर है, ये बैंटन का, और ये दोबारा दबाने पे ये देखो एक से एक बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर जो आते हैं इसके अंदर, ये देखो ये वाला कैरेक्टर देखो, अब ये वाला कैरेक्टर देखो गाइज, अब ये वाला देखो, ये देखो 100 रुपए में गाइज इतनी बढ़िया वॉच। और ये मैंने ली है दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट से, ये देखो जितनी बार भी ये बटन दबाएंगे आप अलग अलग इमेजेस जो है इधर आती हैं, ये देखो गाइज साइड में देखो गाइज सारे के सारे बेंटन कैरेक्टर हैं, और सारे एकदम अलग अलग आते हैं, इसके अंदर कम से कम 100-200 कैरेक्टर दिए गए हैं बेंटन के, और आपको तो पता ही है बेंटन के कितने सारे कैरेक्टर जो है होते हैं। चलिए लाइट ऑन कर लेते हैं गाइज, तो कैसी लगी आपको बेंटन की हमारी प्रोजेक्टर वॉच तो कमेंट में जरूर बताना गाइज, ये भी मुझे बहुत पसंद आई 100 रुपए में, और इसको भी रखते हैं गाइज। और इसके बाद गाइज हमारे पास है एक और फिजेट स्पिनर, ये देखो ये 5 रुपीज का मैंने खरीदा है, बहुत सस्ता मिला है मुझे, वैसे ये 10 रुपीज का होता बट मुझे डिस्काउंट लेके 5 रुपीज का पड़ गया था। उसके बाद गाइज हमारे पास है गन वाला पैन, ये देखो ये कार 98 गन है, ये देखो, और ये कुछ इस तरीके से मुड़ भी जाती है एकदम गन के तरीके से, और ये बंद भी हो जाती है, और यहां से निकलता है इसका पैन, और यहां से आप इसको यूज कर सकते हैं, तो काफी अच्छा गन वाला पैन है। उसके बाद गाइज हमारे पास है ये पेपा पिग वाला पैन, और ये पेपा पिग का कौन सा कैरेक्टर है जरूर बताना, और ये देखिए पेंसिल है सॉरी, और इसकी इधर भी निब दी गई है, और इसको आप यूज करके जब ये खत्म हो जाए तो वापस से इसको वैसे ही पहले की तरह डाल सकते हैं। उसके बाद गाइज हमारे पास है बाइक वाली पेंसिल और इरेजर, ये इरेजर है टायर वाले इरेजर है गाइज ये, और इधर है पेंसिल शार्प करने के लिए, और जब आपका काम हो जाए तो वापस से इसको खोल के कचरा बाहर फेंक सकते हैं, तो ये भी बहुत ही सही चीज है गाइज। उसके बाद गाइज हमारे पास है एक डोरेमोन का की चेन, ये देखो ये डोरेमोन है कितना बढ़िया, और एक की चेन है, इसको आप अपने हाथों में इस तरीके से डाल के और इधर चाबियां वगैरह भी लगा सकते हैं। उसके बाद गाइज हमारे पास है एक और गन वाली इरेजर, बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार, ये मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद गाइज हमारे पास है डोम्स की कार वाली इरेजर, ये भी बहुत ही जबरदस्त है, और गाइज ये आती है 10 रुपीज की एक। और उसके बाद गाइज हमारे पास है ये देखो ये सैटेलाइट वाली इरेजर है, ये रॉकेट वाली इरेजर है गाइज, ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद गाइज हमारे पास है कैप्सूल वाला पेन, ये देखो ऐसे ओपन करते हैं, ऐसे करते हैं और पेन बाहर आ जाता है, और वापस से इसको ऐसे आप बंद कर सकते हैं, ऐसे करना है ऐसे बाहर, ऐसे लिखा और वापस से ऐसे बंद, है ना गाइज कितना बढ़िया पेन। उसके बाद गाइज हमारे पास है ये देखिए एक टैडी वाला पेन है, इधर टैडी लटका हुआ है और इधर है हमारा पेन, ये पूरा व्हाइट कलर का पेन है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद गाइज ये देखिए एक पजल गेम वाला पेन है, ये देखो ये पजल गेम दिया गया है, और ये सारी गोलियां आप इसके बीच में ले आ सकते हैं, और ये पेन नहीं सॉरी पेंसिल है, ये देखिए ये रही पेंसिल, ये देखो ये पेंसिल कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद गाइज ये देखिए कितने सारी इरेजर है हमारे पास, ये देखो ये आर्मी टैंक वाली इरेजर है, ये ग्रेनेड वाली इरेजर है, ये पिस्टल गन वाली इरेजर है, ये यूएफओ वाली अंतरिक्ष यान वाली इरेजर है, ये एलियन वाली इरेजर है, ये देखो ये स्केटिंग वाली इरेजर है, ये यूएफओ वाली सॉरी एस्ट्रोनॉट वाली इरेजर है, ये मंकी वाली इरेजर है, और ये भी एस्ट्रोनॉट वाली इरेजर है, ये भी मुझे बहुत पसंद है गाइज, इसको रखते हैं साइड में। और मैं आपको दिखा दूं, ये देखो ये पल्स वाली पेंसिल है गाइज, काफी बढ़िया, ये बहुत सारी मैंने खरीदी है एक साथ। और ये देखिए पॉपिट है हमारे पास डायनासोर वाला, ये स्पैरो वाला पॉपिट है कीचेन। उसके बाद हमारे पास ये देखो एक इरेजर वाली गन है, और ये देखिए ये और ये कीचेन वाली गन है, कि कौन सी गन है कमेंट में जरूर बताना। और उसके बाद गाइज हमारे पास बेंटन वाली पेंसिल है, ये देखो ये बेंटन बना हुआ है और इसमें पेंसिल दी गई है, और ये देखिए और मैं आपको दिखा दूं क्या है हमारे पास, और ये कुछ और एक हमारे पास कैप्सूल वाला पेन और है, ये आउल वाला शार्पनर है, इधर से पेंसिल को शार्प कर सकते हैं आप, और एक कैरेट वाला शार्पनर है, इधर से आप कैरेट पेंसिल को शार्प कर सकते हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज है गाइज। उसके बाद गाइज मैं आपको दिखा दूं ये हमारे पास नेल पेंट वाला क्या है, ये इरेजर है और इधर है शार्पनर, ये देखो, और बाद में इसे खोल के कचरा इसके अंदर से आप निकाल सकते हैं, तो ये कैसा लगा ये भी जरूर बताना। और गाइज उसके बाद हमारे पास और भी चीजें हैं, ये देखो मैं आपको सारी चीज दिखाता हूँ, ये एक हमारे पास ये 3D टॉय है, इसको आप टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी मोड़ सकते हैं। उसके बाद गाइज हमारे पास है ये ट्रांसफॉर्मर वाली इरेजर, बनाना वाली इरेजर है, अरे एक और लिपस्टिक वाली इरेजर है गाइज हमारे पास,
और हमारे पास है फुटबॉल वाली इरेजर, और है हमारे पास ये देखो एक और यूनिकॉर्न का बहुत ही बढ़िया पेन है, और हमारे पास चाबी वाले पेन है। ये देखो गाइस ये चाबियां लगते हैं बट ये पेन है ये आगे से खुल जाते हैं, ये देखो इस तरीके से, तो ये चाबी वाले पेन है और वापस से ये बंद हो जाते हैं। उसके बाद गाइस हमारे पास फिश वाला पेन है काफ़ी बढ़िया, ये भी ऐसे खुलता है और बंद हो जाता है। और गाइस हमारे पास और ये देखो कितनी सारी इरेजर है ये वाली एकदम बढ़िया बढ़िया, और दिखा दूँ मैं आपको। और ये देखो गाइस हमारे पास 10 रुपये वाले कैमल के वैक्स क्रेयॉन्स हैं, और ये देखिए ये इरेजर और शार्पनर दोनों है, ये इधर इरेजर है और इधर एक शार्पनर दिया गया है। और गाइस ये देखिए और भी ये नाइफ वाला पेन है हमारे पास, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, और ये देखिए कितना है ना गजब, और ऐसे काम कर सकते हैं, वापस से बंद कर सकते हैं, नाइफ जैसा लगता है। सो गाइस ये देखिए मैंने सारी की सारी चीज़ें लगभग आपको दिखा दी है, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और ये वीडियो ये सारे सामान मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। सो गाइस ये देखिए ये रहे वो सारे के सारे सामान जो मैंने आपको अनबॉक्स करके दिखाए हैं, तो आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमेशा ही चैनल पर आते रहते हैं। बाय बाय।